आज के फनकार। तो नमस्ते, आज के फनकार प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे लेखक निर्माता निर्देशक कमाल अमरोही के बारे में। मैं हूं आपके साथ अमरकांत। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, प्रदेश के अमरोहा में जन्मे कमाल अमरोही का पूरा नाम था सैयद अमीर हैदर कमाल नकवी। हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं पर कमाल साहब का एक जैसा अधिकार था और दोनों ही भाषाओं में कमाल साहब लिखा करते थे, कविता भी लिखते थे, शेर व शायरी भी करते थे। इसीलिए उन्होंने अपना तखल्लुस रख लिया अमरोही, जो बाद में अमरोही हो गया। कमाल अमरोही ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अमरोहा में करने के बाद 1938 में आगे की पढ़ाई के लिए लाहौर जाने का फैसला किया और लाहौर चले भी गए। यहाँ आने के बाद वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कविता और शायरी भी कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात कुंदनलाल सहगल, जो कि उस समय फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता और गायक थे, उनसे हुई। सहगल साहब कमाल अमरोही की प्रतिभा से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने तय किया कि इस नौजवान को बंबई में होना चाहिए और उनके समझाने पर कमाल अमरोही राजी हो गए, तब की बंबई आज की मुंबई जाने के लिए। और बंबई आने के बाद मिनर्वा मूवी टोन के सोहराब मोदी के साथ कमाल अमरोही ने बतौर लेखक काम करना शुरू कर दिया।
फिल्म जेलर का गाना आपने सुना, जिसे कमाल अमरोही ने लिखा था। गीत नहीं, ये पूरी फिल्म उन्होंने लिखी थी। मिनर्वा मूवी टोन में वो बतौर लेखक काम कर रहे थे। उन्होंने 1939 में फिल्म पुकार लिखी और 1940 में भरोसा। 1946 में कमाल अमरोही ने A.R. कारदार की फिल्म शाहजहां लिखी। मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। आंखें नींदों के खजाने हैं, दो उल्फत के पैमाने हैं। आंखें नींदों के खजाने हैं, दो उल्फत के पैमाने हैं। जुल्फे रातों की जवानी, जुल्फे रातों की जवानी, सपनों की रानी। माथे पे चांद कर आए, होठों पे भंवरा मंडलाए। माथे पे चांद कर आए, होठों पे भंवरा मंडलाए। मुखला फूलों की कहानी, मुखला फूलों की कहानी, सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। सांचे में ढली है हर दिल के, हाँ पलटे नाने गाहे फिर मिलके। सांचे में ढली है हर दिल के, हाँ पलटे नाने गाहे फिर मिलके। पत्थर का जिगर हो पानी, पत्थर का जिगर हो पानी, सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। चुप हो तो उदासी डसती है, हंस दे तो खुदाई हंसती है। चुप हो तो उदासी डसती है, हंस दे तो खुदाई हंसती है। बोले तो फिजा नूरानी, बोले तो फिजा नूरानी, सपनों। 1949 में कमाल अमरोही को पहली बार स्वतंत्र रूप से निर्देशन का मौका मिला और वो फिल्म थी महल। दीपक बगैर कैसे परवान जल
सफलता के बाद कमाल अमरोही का फिल्म जगत में एक अलग मकाम बन गया। बहारे आज पैगाम में मोहब्बत लेके आई है, बड़ी मुद्दत में उम्मीदों की कलियां मुस्कुराई है, बड़ी मुद्दत में आपने सुना फिल्म मुगले आजम का था। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे के आसिफ। के आसिफ ने अपनी इस फिल्म को पूरे परफेक्शन के साथ बनाया था, इस बात को सभी जानते हैं। उन्होंने फिल्म के किसी भी डिपार्टमेंट में कोई समझौता नहीं किया, इसीलिए जब संवाद लेखन की बात आई तो उन्होंने चार चार लोगों को इसके लिए एंगेज किया। उन चार में से एक थे कमाल अमरोही। साहिब आलम, आफ्ताब की रोशनी दुनिया की हर कोशी को रोशन करती है। खुद आफ्ताब ने क्यों तकलीफ की ताकि इस महताब में जज्ब हो जाए। खुदा के लिए साहिब आलम शहजादगी को रुसवा न कीजिए। आप आका हैं, मैं कनीज। मैं आज बुलंदी और पस्ती की ये दीवार गिरा देना चाहता हूँ। बैठ जाओ अनारकली। साहिब आलम, अनारकली इधर देखो, मैं तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का किरार देखना चाहता हूँ। इन्हें न देखिए शहजादे, इनमें कनीज की सहमी हुई हसरतों के सिवा और कुछ नहीं। भूल जाओ कि तुम एक कनीज हो और सलीम को अपनी आंखों में वो देख लेने दो जो तुम्हारी जबान कहते हुए डरती है। मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादे, मैं मर जाऊंगी। अरकली, मैं ख्वाबों को हकीकत में बदल दूंगा। कौन? अजबर आजम, जिनके हुक्म से खुदा की बख्शी हुई सांसें भी सीने में घूंट दी जाती थी। अदब से बात करो सलीम। एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाना आजादी पे उनकी मोहर चाहिए। अनारकली आजाद नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए। वो कौन सा फर्ज है जो मोहब्बत को भी सीने में कुचल सकता है? महाबली का हुक्म तुम्हारा फर्ज है। ये फर्ज तो नहीं, एक शहंशाह के महल में पैदा होने की सजा जरूर है। लेकिन हमारी बख्शी हुई ये अजीम शान सजा तुझे भगतनी होगी। तो फिर मासूम अनारकली को भी कैद करने के बजाय यही अजीम शान सजा दीजिए। हमारे फैसलों पर तुझे कोई इख्तियार नहीं। लेकिन मुझे अपनी जान पर इख्तियार है। अगर अनारकली आजाद न की गई तो कैद खाने की ये रात अनारकली पर नहीं, अकबर आजम की सारी जिंदगी के मंसूबों पर भारी गुजरेगी। सुबह होने से पहले बेहोशी की दवा में बसा हुआ ये फूल तुझे सलीम को सुंघाना होगा ताकि वो तेरी मौत से नाशना हो जाए, तुझे भूल जाए और हमारे पहरेदार तुझे बेहोश आशिक के पहलू से उठाकर मौत की आगोश में गुम कर दें।
मौत मोहब्बत से करीब हो गई। ऐसा ही होगा। अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। कनीज तो कब की मर चुकी। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। फिल्म का एक और गीत अभी आपने सुना। अब बात करते हैं कमाल अमरोही साहब की जाती जिंदगी से जुड़े। कमाल अमरोही साहब ने 3 शादियां की। पहली बीवी बानो, जिनका अस्थमा की वजह से देहांत हो गया। उन्होंने दूसरी शादी की महमूदी से और 1952 में कमाल अमरोही को मीना कुमारी से प्यार हो गया, लिहाजा दोनों ने शादी कर ली, क्योंकि मीना कुमारी भी कमाल अमरोही के प्यार में गिरफ्तार हो चुकी थी। तो चलिए एक बहुत ही शानदार फिल्म का गाना सुनवाता हूँ मैं आपको, गाना भी आपको अच्छा लगेगा। और फिल्म जो कमाल अमरोही के निर्देशन में शानदार बन पड़ी थी, उसे मीना कुमारी ने अपनी अदाकारी से अजीमोशान बना दिया। पाकीज़ा। मौसम है आशिकाना, ढूंढ लाना मौसम है।
1977 में कमाल अमरोही ने शंकर हुसैन इस फिल्म के संवाद लिखे। खूबसूरत मगर सांवले से बहुत खूबसूरत, मुझे अपने ख्वाबों के बाहों में पाकर कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी, उसी नींद में कसम सा कर सराने से तकिए गिराती तो होगी, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। खामोशियों में मेरी याद से झनझनाते तो होंगे, वो बेसाख्ता धीमे धीमे सुरों में मेरी धुन में कुछ गुनगुनाती तो होगी, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। कमाल अमरोही ने 1983 में फिर एक आलीशान फिल्म बनाई। हीरो थे धर्मेंद्र और हीरोइन थे हेमा मालिनी। फिल्म रजिया सुल्तान। आए जंजीर की झनकार खुदा फैर करे, दिल हुआ जिसका गिरफ्तार खुदा फैर करे, आए जंजीर की झनकार। अपनी बेमिसाल लेखनी और अनूठे निर्देशन के लिए कमाल अमरोही सदा याद किए जाएंगे। 11 फरवरी 1993 को कमाल अमरोही ने अंतिम सांस ली। आज के फनकार कार्यक्रम, आज इसमें हमने लेखक निर्माता निर्देशक कमाल अमरोही के बारे में बात की। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले, स्वर शोध और आलेख अमरकांत का। अब नमस्ते। आज के फनकार।